हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ब्लॉग अंचलपंत ब्लॉग्स में। और आज इस 2022 का आखिरी दिन है। ये साल कैसे बीता इसके बहुत कुछ लोगों के सुखद अनुभव हैं, कुछों के खट्टे अनुभव भी रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के यह साल सबके लिए अच्छा बीता और आगे आने वाला साल सबके लिए अच्छा है, यही सबकी से सभी के लिए विशेज़ हैं, गुड विशेज़ हैं। और आज हम आपको लेकर के चलते हैं, आज पूरा दिन हम आपको दिखाएंगे कि नैनीताल कैसा दिखता है, 31st के लिए लोगों की भीड़ कैसी है। और उसके लिए हम चलते हैं नीचे मॉल रोड की ओर को। और आज मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन धूप भी आ रही है। नैनीताल में हल्का आज टेम्परेचर भी थोड़ा ठंडा है। और आज 31st के दिन अपना स्पेशल आज कुछ रहेगा, तो आज कोशिश करेंगे कि लाइट दिखाएं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं मॉल रोड को। और आज मॉल रोड में आप देख सकते हैं कि बाकी दिनों की तरह ही मॉल रोड का है, लेकिन थोड़ा सा आज रश ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट की चहलकदमी आपको आज ज़्यादा दिखेगी। साइड पर कुछ जगहों पे आज मॉर्निंग से ही फड़ और ठेले वाले लग गए हैं। और आज इस तरह से नैनीताल में मॉल न्यू ईयर के जश्न के लिए टूरिस्टों की आवक और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आइए अब चलते हैं आपको लेकर के नीचे मॉल रोड की ओर। इस पॉइंट से ज़ू के लिए शटल सेवा मिलती है, तो कई सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे अब शटल सेवा के लिए अपनी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये शटल सेवा यहाँ से चलाई जा रही है आज, और ये टूरिस्ट अब शटल सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपको लेकर के, दिखाते हैं नैनीताल कैसा लगता है। हालांकि अभी भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद से रश बढ़ने लगेगा और मॉल रोड में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड दिखेगा। और 31st के दिन नैनीताल की मॉल रोड बहुत लाइव हो जाती है, बहुत लाइवली हो जाती है। तो हम आपको दिखाएंगे कि इस समय भी ये कैसा दिखेगा। करने वाले हैं तो फिर वो इसलिए यहाँ से कस्टमर्स और टूरिस्ट बोटिंग के लिए भी यहाँ पे एक और प्लेस है जहाँ से नैनी लेक की बोटिंग का आनंद लेते हैं। और आज मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है, शानदार है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आज सवेरे सवेरे बोटिंग का आनंद ले रहे हैं और यहाँ से बोटिंग का मज़ा लेकर के यहाँ पे से अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं।
जैसे जैसे हम तल्लीताल की ओर को बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे को टूरिस्टों की भीड़, जो टूरिस्ट आ रहे हैं नैनीताल को, उनकी भी संख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पे को टूरिस्ट काफ़ी आपको रश देखने को मिल रहा होगा। और हम यहाँ पे खड़े हैं माल रोड में, और नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का जिनको श्रेय जाता है, ऐसे हमारे नैनीताल पुलिस के कर्मठ यहाँ पे शिवराज सिंह राणा जी से हम मिलते हैं। और आज जानते हैं कि आज की ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था क्या है यहाँ की, आज इन्होंने क्या यहाँ कर रखा है एक छोटा से कम शब्दों में बता सर जी। हाँ सर, इस समय जो हमारा जो ट्रैफिक है, हमारी जो सारा फोर्स है, सारे पॉइंटों में हमारे लगा दिए गए हैं। और इस समय हमारा जो माल रोड बड़ी स्मूथ चल रहा है, ट्रैफिक अभी नॉर्मली चल रहा है। अभी क्या कहते हैं, 12-1 बजे के बाद जो ट्रैफिक अचानक ही बढ़ेगा, तो जब पार्किंग पैक हो जाएंगी हमारी सारी, तो उसके बाद हमारी जो पार्किंग की जो व्यवस्थाएँ हैं रूसी बाईपास पर ही हैं और नीचे चार खेत पे, तो उसके बाद सारे टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन जो हैं वहीं पर रोक दिए जाएंगे। विशेषकर जो टू व्हीलर वाहन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और वो उनका आना का समय जो रहता है 2 बजे के बाद से रहता है, तो वो सारे के सारे वहीं खड़े रहेंगे। और शटल हमारे द्वारा चलाई गई है और यहाँ पे इजी गोइंग चलेगा, सब बढ़िया रहेगा। और इसके साथ ही सभी क्षेत्रवासियों, नैनीताल वासियों को चीता टू की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और हमने कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि नैनीताल में नैनीताल पुलिस ने कुछ ट्रैफिक प्लान्स को लेकर के बदलाव किए हैं। हालांकि अभी ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा है, और अभी जैसा कि राणा जी ने भी बताया कि अगर पार्किंग फुल हो जाएगी तो फिर शटल सेवा से यहाँ पे को टूरिस्टों को लाया जाएगा। तो यही है, आइए नैनीताल एंजॉय करिए, लेकिन हुड़दंग नहीं मचाइए और अच्छे से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एंजॉय करिए और सभी का सहयोग करिए। और साथ ही अपने जो आप जिस मकसद से नैनीताल घूमने आ रहे हैं, न्यू ईयर को एंजॉय करने आ रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें। तल्लीताल का बोट स्टैंड है और यहाँ से आते हुए बोटिंग की शुरुआत करते हुए लोग नैनीताल को घूमते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नैनीताल में एक अच्छा खासा क्राउड है, यहाँ पे को बोटिंग कर रहा है जो क्राउड नैनीताल में। और इस समय हम करें ये तल्लीताल के बोट स्टैंड के पास, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं नैनी लेक में काफ़ी ज़्यादा बोटिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब क्राउड धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, रोड में भी अब धीरे धीरे गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब हमने कर लिया है रिक्शा और अब जा रहे हैं मल्लीताल को, और दिखाते हैं कि वहाँ पर मल्लीताल पे किस तरह का
नैनीताल की रिक्शा जो है उनका अपना एक अलग ही मजा है। हालांकि ये रिक्शा भी चल गई है, लेकिन जो खुले में आप यहाँ पे को और उनके किनारे किनारे जो आप चलते हो और लेक के चारों ओर का आपको किनारे किनारे का जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो आपको देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे जैसे मंदिरथल की ओर को हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टूरिस्टों की भीड़ आपको जाती हुई दिखेगी। इस समय हम हैं नैनीताल के पंथ पार्क के एरिया में। ये बहुत ही ज़्यादा एक लाइवली और क्राउडेड प्लेस रहती है। हालांकि अभी यहाँ पे नैनीताल नगर पालिका ने एक अच्छा कार्य किया कि फड़ वालों को यहाँ सीमित समय अवधि में यहाँ पे फड़ लगाने के लिए स्पेस अलॉट जो कर रखी है उसी पे लगाने का वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वरना ये चारों तरफ यहाँ पर आपको फड़ और वो लगे हुए नज़र आते थे। थोड़ा कस्टमर्स इस समय यहाँ पे आराम से फुर्सत से घूम सकते हैं। तो यहाँ पर आप नैनीताल की असली को क्राउड को देख सकते हैं। मेरे सामने ये नैनीताल की नगर पालिका है। तो बहुत प्यारी बिल्डिंग है ये नैनीताल नगर पालिका। नैनीताल की मस्जिद है और यहाँ से ये रास्ता नैनीताल के नैना देवी मंदिर को जाता है। नैना देवी मंदिर के ही नैना देवी के नाम पे ही नैनीताल का नाम नैनीताल पड़ा, नैना से नैनीताल। और ये नैनीताल का फ्लैग्स ग्राउंड है। यहाँ पे अधिकतर स्पोर्ट्स की यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, सारी गतिविधियाँ स्पोर्ट्स की यहीं पे होती हैं। अभी भी एक क्रिकेट का मैच यहाँ पे चल रहा है। इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और शाम को आपको दिखाते हैं कि शाम को कैसा लगता है नैनीताल 31st की नाइट और नए साल के तैयारियों के स्वागत के लिए। तो अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।